आज की कहानी है छोटी बहू दुख में ससुराल याद कैसे आ जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, मुझे लगता है मुझे वहीं जाकर रहना होगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कभी टूर पर गए बच्चों की परीक्षा चल रही है। देवरानी रश्मि की फोन पर बातें सुन जेठानी जी जो योशना ने उसे दिलासा दिया। बच्चों की अम्मा का घर है ना, तुम चिंता क्यों करती हो, बेफिक्र छोड़ कर आओ। योशना की बात सुन रश्मि के सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। भाभी, मुझे आपसे इसी जवाब की आशा थी। रश्मि ने खुशी खुशी फोन रखा और मायके जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी। ज्योत्सना ने फोन रख दिया, कल जब तुझे जरूरत थी तब क्या वो तेरे काम आई, आज जो तूने एक पल में उसे हाँ कर दिया। माँ ने बड़ी बहू ज्योत्सना को ताना दिया। माँ, सुख दुख में परिवार एक दूसरे के काम आता है, वो मेरे काम नहीं आई तो मैं उसके काम क्यों आऊँ। ये सब बातें अपनों के बीच अच्छी नहीं लगती। वो अपने माता पिता की अकेली बेटी है, वह उन्हें बुढ़ापे में नहीं देखेगी तो कौन देखेगा। ज्योत्सना ने देवरानी का पक्ष लिया। कल जब हम लोग छोटी बहू नौकरी के साथ बहू पालने में दिक्कत आएगी, हमारे साथ आकर रहो, तब तो अपनी माँ का दम्भ भर दी थी। अम्मा जी, मेरी मम्मी सब कर लेगी, आप निरसत रहो, अकेले रहने के मजे लेने थे तो फिर परेशानियों का सामना भी अकेले करो। अब क्यों ससुराल याद आया, माँ बड़बड़ करती रही। ज्योत्सना अपना काम करती रही। ज्योत्सना अपने मायके ससुराल में बड़ी थी, उस पर हमेशा से जिम्मेदारियों रही, सो उसे कभी दिक्कत नहीं आई। सास ने नंदो ने हर कदम पर साथ दिया, जबकि रश्मि छोटे परिवार की इकलौती बेटी। माता पिता नौकरी वाले थे, भाग दौड़ वाली जिंदगी, तो रश्मि बड़े परिवार के नाम से घबराती थी। कबीर से प्रेम विवाह किया था, पति का टूरिंग जॉब, तो उसे लगता था मायके के करीब रहूंगी तो माता पिता का ख्याल रख सकूंगी और ससुराल के पसड़ों से भी दूर रहूंगी। रश्मि कबीर के बच्चे अम्मा के घर आकर बहुत खुश हुए। बड़ी मम्मी कर ज्योत्सना के पीछे घूमते रहते। रश्मि अपना ऑफिस और माँ दोनों की देखभाल कर लेती। रश्मि की माँ की तबीयत में सुधार होने लगा। रश्मि लंच टाइम में ससुराल फोन किया कि वह शाम को बच्चे लेने आ रही हैं। अम्मा गुनगुनाने लगी, जिसका मुझे था इंतजार वह घड़ी आ गई। ज्योत्सना समझ गई आज अम्मा रश्मि को सुनाने का इरादा करके बैठी हैं। शाम को सब हंसते ही रश्मि के दोनों बच्चे तैयार होकर माँ का इंतजार करने लगे। रश्मि ससुराल में प्रवेश करती हैं। अम्मा छोटी बहू को देखते ही ताना देने के अंदाज में, आओ बहुरिया, याद आ गई ससुराल की। रश्मि नजरें झुकाई, सुख उसके चेहरे में डर साफ दिखाई दे रहा था। ज्योत्सना ने उसे मुस्कुराकर इशारा किया कि वह अम्मा के तानों को नज़रअंदाज करे। अम्मा आप भी हद करती हैं, समधन जी की तबीयत पूछो कि, उसे सुनाने लगी। ज्योत्सना ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की, बोल लेने दीजिए भाभी, अम्मा को कुछ गलत नहीं कर रही। जब आपको काम के समय अपनी याद आते तो आपसे बड़ा कोई स्वार्थी नहीं, रिश्ते दोनों तरफ से निभाने पड़ते हैं। मैं बड़े ससुराल की जिम्मेदारियों से घबराती थी, लेकिन जब बड़े परिवार के सुख लेने की बात आती है तो मैं निरसत हो बच्चे छोड़ जाती हूँ। अरे वाह बहू, ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ तुम्हारा, कल तक तो तुम्हें सिर्फ अपने और अपने परिवार से मतलब था। अम्मा ने फिर मौके पर सोका मारा, माँ जरूरी तो नहीं कर, जो इंसान गलत था वह आज भी गलत होगा, उसे बोलने का मौका तो दो। ज्योत्सना ने फिर देवरानी का पक्ष लिया। जब मेरी मम्मी की सालों पुरानी मैड कल्पना आंटी, जिन पर जाने मेरी मम्मी पापा के कितने एहसान है, मेरे पापा की
सिफारिश से उनके बेटों को सप्रासी की नौकरी लगी। नौकरी लगते ही कल्पना आंटी ने किनारा कर दिया मेरी मम्मी के यूट्रस के ऑपरेशन के टाइम वाने साथ छोड़ दिया। जब मैंने उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे सामने से मेरे ससुराल से मेरे स्वार्थ भरे रिश्ते का आईना दिखा दिया। रश्मि बात पूरी करने से पहले रोने लगी। जोशना और अम्मा ने रश्मि को संभाला, पानी पिलाया। अम्मा भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी कल की गई गलतियों को नज़रअंदाज करने का हर जाना। मेरी माँ आज भर रही, रश्मि की आंखों में पछतावा था।